हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी के एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको लेटर बताने वाला हूं, लेटर को कैसे लिखना है, जो कि आपका 10th क्लास में जो है 8 नंबर का आता है और 12th क्लास में आपका 6 नंबर का आता है। तो दोस्तों खत कैसे लिखना है आज जानते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। लेटर, लेटर दोस्तों आपको पता होगा कि दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है आपका, वो आपका फॉर्मल लोगों के लिए लिखा जाता है, जैसे कि ऑफिस के लिए लिखा जाता है, अगर किसी को आपको ऑफिस में भेजना हो। और खास तौर पे इंपॉर्टेंट जो आपका लेटर है वो होता है आपका लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 10th क्लास में और 12th क्लास में दोनों क्लासेस में आपका ये आता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर होता है जो कि आप रिलेटिव्स को लिखते हैं। रिलेटिव्स को जो आप लिखते हैं वो होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके लेटर हो गए, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जो सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में जो लेटर आता है वो आपका मोस्टली फॉर्मल लेटर्स आते हैं। ठीक है, मोस्टली फॉर्मल लेटर आते हैं और मोस्टली लेटर टू एडिटर आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये आपके एक क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का, जिसमें से आप जो है या तो लेटर लिख सकते हैं या फिर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, बट आर्टिकल में मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए लेटर लिखना ज्यादा बेटर होता है। तो मैं आपको बता दूं अभी कि लेटर टू एडिटर जो है आप कैसे लिखते हैं उसका पूरा देखो। जो ये आपके 8 नंबर है, बड़े फ्री के नंबर है, 8 नंबर में कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखो देखिए आपको लेटर दरअसल लिखना कैसे है, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपका आता है फॉर्मल लेटर में, सबसे पहले आपका आता है, ये लिख देता हूं मैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आपका सबसे पहले आता क्या है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि आप इस साइड से जो है लेटर को लिखना शुरू करोगे। ठीक है, इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से आप लेटर को लिखना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस आता है सबसे पहले, फिर आपकी फिर आता है डेट। अच्छा, सेंडर एड्रेस होता कौन सा है, जो आपका एड्रेस है, जो कोई इस लेटर को भेज रहा है वो होता है सेंडर एड्रेस। फिर आती है आपकी डेट और फिर आता है आपका रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, फिर आता है आपका रिसीवर एड्रेस। तो डेट कैसे लिखनी है, डेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लिखनी कैसे है। डेट आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, कुछ लोग लिख देते हैं जैसे कि 12/12/2019 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज गलत है, आपको यहाँ पे 12/12 यानी कि 12th मंथ नहीं लिखना है, आपने लिखना है दिसंबर। ये चीज अगर आपने ठीक कर दी तो आपका जो फॉर्मेट है उस पे आपके 2 नंबर पक्के, चाहे आप नीचे का जो कंटेंट है, जो लेटर जिस बारे में उसने लिखने को बोला है, चाहे आप और भी ना लिखो, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट लिख देते हो। ठीक है, रिसीवर एड्रेस के बाद आता है आपका सब्जेक्ट। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका सैल्यूटेशन, यानी कि सर या मैडम। यह आता है आपका सैल्यूटेशन। यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये चीज एकदम ठीक है, बट अभी सीबीएसई के नए पैटर्न के साथ ये जो सब्जेक्ट है ये यहां के बजाय ये सैल्यूटेशन के नीचे चले गए यहां पे। आई होप कि आपको दिख रहा हूं, ये सब्जेक्ट नीचे चला गया है, बट अगर इसको आप यहां पे भी लिख देते हो
तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपके मार्क्स नहीं कट किए जाएंगे, बट अगर आप उसको यहाँ पे लिख देते हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर आता है आपका बॉडी ऑफ लेटर, इन सब के नीचे जो है आपका आएगा बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि किस बारे में आपको ये चीज सब जो चीज है ये लिखनी है। ठीक है, फिर आएगा आपका बॉडी ऑफ लेटर, फिर जो सबसे नीचे, यानी कि बॉडी ऑफ लेटर के सबसे नीचे लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आपको इस साइड में ही यहां पे लिखना है, इस साइड में यहां पे नीचे की साइड लिखना है अपना सेंडर नेम। सेंडर नेम आपको लिखना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सेंडर नेम और सिग्नेचर भी आप यहां पे कर सकते हैं अपने। ठीक है, सिग्नेचर भी आप यहां पे अपने कर सकते हैं। सेंडर एड्रेस में जो आपको एड्रेस गिवन होगा सिर्फ और सिर्फ आपको वो ही लिखना है, डेट जो आपको गिवन होगी वो लिखनी है। अगर डेट गिवन नहीं है तो आप जो उस दिन की डेट है वो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो डेट गिवन है वो आप लिख सकते हैं उसी दिन एग्जाम में, गिवन होगी वो लिख सकते हैं। रिसीवर एड्रेस में जो आपको एड्रेस दिया होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए आपका वो है, तो जो रिसीवर एड्रेस में आपको क्या लिखना है, जो रिसीवर एड्रेस आपको गिवन होगा उसमें, जैसे कि द एडिटर के लिए है तो द एडिटर ऑफ, तो आपको क्या लिखना है यहां पे मैं बता देता हूं, द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपको रिसीवर एड्रेस में लिखना है। अगर एडिटर टू न्यूज़पेपर आया है और यानी कि एडिटर जो भी न्यूज़पेपर का एडिटर है वो एडिटर लिखना है, और जो भी न्यूज़पेपर का नाम है फिर आपको यहाँ पे वो लिखना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है किस बारे में आप अपना जो है लेटर उसको भेज रहे हो, फिर लिखना है आपको सैल्यूटेशन सर या मैडम जो भी उसमें दिया गया है, और फिर लिखना है आपको या तो सब्जेक्ट आप ऊपर लिख सकते हो या लिख सकते हो नीचे किस बारे में आप उस लेटर को भेज रहे हो। फिर आता है आपका मेन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी कैसे लिखनी है आपको मैं बताऊं, तो बॉडी आपको तीन पैराग्राफ्स में लिखनी है। ठीक है, बॉडी लिखनी है आपको तीन पैराग्राफ्स में, तीन पैराग्राफ्स में लिखने के बाद जो बॉडी आप तीन पैराग्राफ में लिख लोगे उसके बाद नीचे आपको लिखने करने लिखना अपना नाम और सिग्नेचर। ठीक है, तीन पैराग्राफ में आपको लिखने के बाद आपको अपना नाम और सिग्नेचर फिर लिख देना है, ये लिख करते हैं सिग्नेचर कर देना है और नाम लिख देना है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, इनफॉर्मल लेटर लिखते हम कैसे है, और ये हम आपको मैंने बताया गया कि इनफॉर्मल लेटर जो है हम अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर हम भेजते लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, जो एड्रेस है सेंडर इज फॉलोड बाय डेट ऑफ रिसीवर, फिर लिखते हैं हम यहां पे डेट, फिर लिखते हैं हम यहां पे डेट, एट थर्ड पॉइंट इज सैल्यूटेशन। यानी कि जैसे सैल्यूटेशन इसमें सर या मैडम तो आएगा नहीं क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हो इस चीज को, तो इसमें सैल्यूटेशन में आएगा क्या, डियर आ जाएगा, हाय आ जाएगा, या फिर किसी का नाम ही आ जाएगा, हर आ जाएगा, मतलब नाम वगैरह आ जाएगा, और या फिर डियर, इसमें मोस्टली डियर का प्रयोग इसमें होता है। अच्छा, इनफॉर्मल लेटर में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इनफॉर्मल लेटर में कुछ भी चीज जो है स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होती, यानी कि जो रूल और रेगुलेशन है आपकी वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती। इसके बाद आप क्या करें, सब्जेक्ट लिख सकते हो और डेट ऊपर आपने लिखी दी, फिर या फिर सब्जेक्ट नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे सैल्यूटेशन के नीचे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो ऊपर, या फिर इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हो, इसमें कुछ भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। आप इसको जैसे, यानी कि ये चीज अगर आपने सही लिख दी तो इसमें कुछ भी चीज स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है। आप इसके नीचे जो है अपना, जैसे कि डियर पापा, डियर मम्मी करके, ऐसे करके बॉडी कंटेंट, इसका जो बॉडी कंटेंट है वो आप इसमें लिख सकते हो, लेटर की जो बॉडी है, फिर आपको इसमें यहाँ पे
गुड़िये लिखनी है, ठीक है, उसके नीचे आपको अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भेज सकते हो, ठीक है, फ्रेंड्स को भेज सकते हो, रिलेटिव्स को भेज सकते हो, क्लासमेट को भेज सकते हो, नाइबर्स को भेज सकते हो, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर इस पर्पस के लिए यूज होता है, बट मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर ही मोस्टली जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बट हो सकता है कि इनफॉर्मल लेटर की बार आ जाए तो आपको इनफॉर्मल लेटर भी जो है पढ़ लेना है एक बार। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।